बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ रेसिपी। आज हम आधा किलो दूध से बहुत ही यमी सा डिजर्ट बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर लिया है मैंने आधा किलो दूध लिया है सिर्फ, इसके अलावा थोड़ा सा दूध अलग से लिया है। 3 टेबल स्पून लिया है मैंने कंडेंस मिल्क, 3 टेबल स्पून लिया है कॉर्नफ्लोर और 1 कप लिया है मैंने चीनी का। चीनी आप अपने हिसाब से जरूरत इस्तेमाल कर सकते हैं, जितनी आपको पसंद हो। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अलग से एक प्याली ले लेंगे, उसमें हम डाल देंगे कॉर्नफ्लोर और इसमें हम डाल देंगे दूध। इसे हम यहीं पर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए कॉर्नफ्लोर अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। थोड़े से दूध में ऐड करके मिक्स करेंगे ना तो इसमें कोई लम्स नहीं रहेंगे। ज्यादा दूध में ऐड करने से क्या होता है, लम्स बन जाते हैं, फिर वो अच्छी तरह से डिजॉल्व नहीं हो पाता। इसमें डाल देंगे हम कॉर्नफ्लोर, साथ ही डाल देंगे चीनी और इसे अब हम पकाएंगे इतना कि जब तक ये थिक होने स्टार्ट ना हो जाए। और 10 मिनट में लगेंगे इसे थिक होने में। तो जल्दी से बनने वाला डिजर्ट है, तो इस रमजान ये जरूर ट्राई कीजिएगा, इफ्तार में आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो ये देखिए 10 मिनट के अंदर कितना अच्छा सा थिक हो गया है ये। बस इसे हमें इतना ही थिक रखना है। तो फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे यहाँ पर। तो बस इसे हम ठंडा कर लेंगे, इतना ठंडा हो जाए कि धुएं खत्म हो जाए, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ऑलपर की क्रीम 1 पैकेट। तो देखिए ठंडा हो चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे कुछ फ्रूट्स, जो फ्रूट्स आपको पसंद हो, जैसे कि सीजन में अभी चल रहे हैं एप्पल चल रहे हैं, चीकू और स्ट्रॉबेरी। तो यहाँ पर ये फ्रूट्स लिए हैं मैंने। इसके अलावा जो फ्रूट आपको पसंद हो वो भी आप ले सकते हैं। तो इसमें हम ऐड कर देंगे कंडेंस मिल्क और 1 पैकेट पूरा क्रीम का ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने ली है ऑलपर की क्रीम। देखिए इस तरह से आप पैकेट को ऊपर से खोलेंगे तो ये पूरी आराम से निकल आएगी और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें अब ऐड करेंगे हम फ्रूट्स, थोड़ी सी हम स्ट्रॉबेरीज बचा लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे टूटी फ्रूटी, बहुत ही क्रंची सा फ्लेवर आएगा इसका। तो ये भी हम ऐड कर देंगे। ये 1/2 कप के बराबर मैंने ली है टूटी फ्रूटी और थोड़ी सी मैंने बचा ली है ऊपर से गार्निशिंग के लिए। इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए मिक्स हो चुका है। इसमें चाहे तो आप बनाना भी ऐड कर सकते हैं या जो फ्रूट्स आपको पसंद हो। अब सारा मिक्सचर हम किसी बाउल में डाल के रख देंगे। मेरे पास रखे हुए थे छोटे से मिनी चमचम रखे हुए थे, जिनको मैंने बीच में से काट लिया है, इस तरह 2 हिस्सों में कर लिया है। अगर हो तो आपके पास जरूर ऐड कीजिए, अगर ना हो तो कोई बात नहीं, आप इससे भी गार्निश कर सकते हैं। तो बस इसे हम साइडों में इस तरह से रखते जाएंगे, बीच में से काट के लगाएंगे तो 2 हिस्से बन जाएंगे और आराम से लग जाएंगे। तो अब इसके ऊपर हम डाल देंगे टूटी फ्रूटी और कुछ स्ट्रॉबेरी के चंक्स। सिंपल सा डिजर्ट था, जल्दी से बनने वाला और बहुत यमी टेस्टी बनकर तैयार हुआ। तो देखिए बिल्कुल तैयार है यमी सा क्विक सा बनने वाला डिजर्ट। सिर्फ 1/2 किलो दूध से हमने इतना बेहतरीन डिजर्ट बनाकर तैयार किया था। फ्रूट तो हर घर में मौजूद ही होते हैं, 1/2 किलो दूध से आपने इतने कमाल का डिजर्ट बनाकर तैयार किया है और उसे ठंडा ही सर्व कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये डिजर्ट की रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में। और जो चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो बिना सब्सक्राइब किए बिल्कुल न जाएं, साथ ही दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, इससे आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो चलती हूँ, दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।